Sir, the Admiralty Jurisdiction and Settlement of Maritime Crime Bill को पार्लियामेंट में लोकसभा में विस्तार से उसका उसके पर बहस हुई। मुझे खुशी बात की है कि सभी सदस्यों ने ये बिल को समर्थन किया है। और साहब, ये जब बिल बनाया गया तब भी हमने ये चिंता भी की थी और विस्तार से उसको स्टैंडिंग कमेटी में भी रखा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने जो सुझाव दिया उसको हमने इंक्लूड भी किया। उनके बाद ये बिल डीजी शिपिंग ने उसका नोटिफिकेशन किया और 13 डेज के लिए सभी को जब उस जिसी को सुझाव देना है उसके उसका सुझाव भी हमको मिला। उसके साथ साथ तो स्टेक होल्डर है उसके साथ विस्तार से हमने कंसल्टेशन भी किया और विस्तार से कंसल्टेशन करने के बाद ये बिल हम आज सदन में लाए हैं। और मुझे ये बात की और भी खुशी है कि जो सदस्यों ने अपने विचार भी रखे, कुछ सुझाव भी रखे हैं, हम उसको जब नियमावली तैयार करेंगे तब आपके सुझाव को, आपने जो अपना विषय रखा है, शक हो तो हम उसको शामिल भी करेंगे। जैसे कि कुल मिला के ये बिल लाने का हेतु भी ये है कि जो एडमिरल्टी के संदर्भ में जो कार्यक्षेत्र है और उसमें जो दावे है, दावे विस्तार से और कोई भी उसमें छूट ना रह जाए, कुछ क्षति ना रह जाए, और जो पुराने कानून थे वो कानून के तहत जो कार्यवाही नहीं हो सकती थी और उसमें जो कन्फ्यूज़न होता था वो कन्फ्यूज़न भी ना रहे और क्लैरिटी से जो समुद्री दावा है उसके पर स्टेक होल्डर को न्याय मिले और सभी को ये दावे कहाँ रखे। और आपने यहाँ ये भी उल्लेख किया गया कि तीन अभी तक जो तीन उच्च न्यायालय में ये दावे होते थे और तीन उच्च न्यायालय में सभी को जाना पड़ता था और न्यायालय के ऊपर भारण भी होता था, लेकिन यहाँ मेहताब जी ने भी एक विषय रखा था कि जो अभी ये तीन न्याय उच्च न्यायालय है वहाँ दावा अभी पेंडिंग है उसके ऊपर भी भारण कम करना चाहिए। उसको कम करने के लिए जब 9 जो तटीय क्षेत्र के उच्च न्यायालय है, तटीय क्षेत्र के सभी स्टेट है, ये स्टेट के उच्च न्यायालय में जो भी स्टेट का जो इश्यू है वो न्यायालय में वो जाएगा, इसलिए उसके पर भारण भी कम होगा। कुल मिला के ये जब हम कानून लाए तो सभी तरह से विस्तार करके जो पुराना कानून था, जो यहाँ माननीय सदस्य जी ने बताया भी कि इतने सालों से कानून था और एक कानून को खत्म कर देने की भी आवश्यकता थी। इंग्लैंड समय के कानून थे, उस समय की जो स्थिति थी उसके अनुसार एक कानून बने हुए थे। स्थिति बदली हुई है, बदली हुई स्थिति में ये कानून में भी विस्तार से बदल किया गया है और उसके फायदे में उसका जनता को और जो शिपिंग सेक्टर में है उसको विस्तार से न्याय पाने का अधिकार भी मिले। अनेक प्रकार के दावे होते हैं, जो मालिक है मालिक के अंतर्गत भी पार्टनरशिप होती है, पार्टनर के बीच में भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है और वैसे भी जब इनकम होती है और इनकम के शेयरिंग के संदर्भ में भी दावे होते हैं। कभी कोई कंपनी और या कोई शिप में प्रॉफिट में है या कोई घाटा में है और उस शेयरिंग के समय में भी उसको प्रॉब्लम होता है। मॉर्गेज के संदर्भ में भी कई दावा हो जाता है और उसका जब एक्सीडेंट होता है तो वैसी स्थिति में भी दावे शामिल होता है। कभी क्रू या तो कोई शिपिंग के साथ जुड़े हुए व्यक्ति जब शिप में है और इसको कोई इजा हो जाती है और वैसी स्थिति में व्यक्तिगत इजाओं के संदर्भ में भी दावे हो जाते हैं। और सामान, उसके सामान का जो कार्गो का परिवहन होता है कभी डैमेज हो जाता है, डैमेज होने से भी जिसने ये मंगवाया हो उसका भी दावा लग जाता है। साथ साथ में एनवायरनमेंट के संदर्भ में कई दावा हो जाता है, टोवेज के संदर्भ में भी दावा हो जाता है, बंकर फ्यूल जब शिप में होता है और उनके संदर्भ में भी कई दावा हो जाता है। वैसी स्थिति में नंबर ऑफ दावा, नंबर ऑफ क्लेम होता है, उसका सोल्यूशन हम कैसे निकाले, क्लोज फॉर्म में हमने उसको विस्तार से डिस्क्राइब किया है, जैसे कि उसको कैसी तरह से कौन से दावे किया जा सकता है और वो अपने वैसे दावे के माध्यम से वो न्याय भी ले सके, उसका प्रावधान भी उसमें हमने विस्तार से किया है। यहाँ जो अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने विषय में विस्तार से कहा कि
सिविल जो लाइबिलिटी होती है और जो पॉल्यूशन होता है, तो उसके संदर्भ में पॉल्यूशन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है। उन्होंने दूसरा भी एक क्वेश्चन किया कि रिपील करने में क्या होगा, रिपील के संदर्भ में आपका क्या कहना है। मेरा उससे मेरे माननीय सदस्य जी को कहना है कि ये एक्ट एडमिरल्टी के केवल रिपील के संदर्भ में विधि मंत्रालय के साथ उसके लिए भी विस्तार से बातचीत हुई है। और आपने वो भी कहा है कि जो क्लेम है उसके संदर्भ में आपने विस्तार से इंफॉर्मेशन नहीं रखी है, लेकिन होता है ऐसा कि अलग अलग तीन हाईकोर्ट थी और तीन हाईकोर्ट में अपनी अपनी ओर से दावा हो जाता है और दावा की इंफॉर्मेशन वो हाईकोर्ट के पास रहती है, इसलिए वो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे दावा ये जो बिल से कम होने की संभावना है। और आपने वो भी कहा कि ईजेड उसमें मैरीटाइम जोन के संदर्भ में इंडियन एक्ट में जो जोगवाई की गई है, और माननीय नरेंद्र केशव सवाईकर जी ने भी अपने ए बिल में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 6 द्वीप सी पोर्ट बनाने की बात है और सी पोर्ट कब बनेगा। लेकिन सी पोर्ट के संदर्भ में हम कहें तो सागरमाला योजना के अंतर्गत आज जो देश में 12 तो सी है, से पोर्ट है ही, मेजर पोर्ट है, और उसके साथ साथ और भी 6 पोर्ट हम बनाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ उसको सभी पोर्ट को जो अभी हाथ में जो पोर्ट है वो पोर्ट को अपग्रेड करके उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ में पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल कनेक्टिविटी, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी, और अगले दिन में सागरमाला योजना के अंतर्गत हम उसमें 8 लाख करोड़ रुपीज़ का खर्च करके सारे देश में जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए हम उसमें काम करने वाले हैं। साथ साथ में कल्याण बैनर्जी ने भी विस्तार से अपना यहाँ विषय रखा और उन्होंने एक आपके वो भी एक आपका सुझाव रहा कि हैजार्डस मटेरियल्स के संदर्भ में सर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय वेसल्स इज कवर्ड अंडर सेक्शंस 4U ऑफ द बिल। ये बिल के सेक्शंस 4 में जो हैजार्डस है और जब उससे कोई समुद्री पॉल्यूशन होता है तो उसके संदर्भ में भी हमने यहाँ प्रावधान रखा है। और यहाँ मेहताब साहब ने भी अपने चर्चा के दरमियान अपने विषय रखे हैं। मेहताब साहब आपने कहा कि आपने हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया, हमने पर्याय के रूप में किया है, लेकिन वेलकम जो आपने कहा हिंदुस्तान भारत, भारत को हिंदुस्तान सदियों से बोलते आ रहे हैं तो हमने भी उसका प्रयोग किया है। लेकिन आपने एक भी वो भी विषय रखा कि जो कोर्ट है, अभी जो कोर्ट है उसके पर जो केसेस है उसका, उसके पर केसेस, वहाँ जो पेंडिंग केसेस है उसके पर भारण कैसे कम हो, तो मुझे बताने से खुशी होगी कि बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो 9th स्टेट की उच्च न्यायालय को जो सत्ता मिलेगी तो ऑटोमेटिक जो ही स्टेट के जो ही क्षेत्र के ये विषय है वहाँ ये उच्च न्यायालय में ये विषय चले जाएंगे। उसके साथ साथ आपने वो भी विषय रखा है कि जो लॉस ऑफ लाइफ होता है और एक्सीडेंट होता है, यार वैसे कोई भी व्यक्तिगत कभी किसी को हानि होती है तो उसमें उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमने वो भी विस्तार से विषय रखा है कि प्रायोरिटी में पहले हमने रखा है वेजिस को, जो वेजिस जो शिप पर काम कर रहे हैं और काम करने वाले जो पर्सन है, काम करने वाले जो पर्सन है उसको कैसे तुरंत ही पैसा मिले। उनके बाद हमने सेकंड में लिया है कि हम कभी व्यक्तिगत हानि हो उसको सेकंड प्रायोरिटी में लिया है। थर्ड प्रायोरिटी में हमने उसके पर जो लायबिलिटी हो, लायबिलिटी भी गवर्नमेंट लायबिलिटी हो, उसको लिया है, जैसे कि उसको अच्छी तरह से न्याय मिले, व्यक्तिगत जान हानि जो हुई है उसको भी अच्छी तरह से
हम इस बिल के तहत उसको सपोर्ट कर सके और उसको मदद करने की भी सरकार की परमानेंट इच्छा रहेगी। नरसिंहम जी ने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में अपना विषय रखा है, मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के अनुसंदर्भ में आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भी, लेकिन वे बिल का विषय नहीं है। लेकिन भी जो चाहते हैं वैसी कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए तो मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई से अवश्य अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और केवी रेड्डी जी ने भी उसमें चर्चा में भाग लिया है और उन्होंने कहा है कि जो आउटर हार्बर है और आउटर हार्बर हाउ मेनी शिप्स आर रेटिंग इन द आउटर हार्बर फॉर वांट ऑफ द एडमिरल्टी लॉज। नो सर, द शिप कीप्स मूविंग बट तो उसके संदर्भ में भी हम उसको विस्तार से ले रहे हैं। उसके साथ साथ ए संबथन जी, विनायक राउत जी, वाई वी सुब्बा रेड्डी जी, डॉक्टर के हरि बाबू जी, कौशलेंद्र जी कुमार जी, गोपाल सेट्टी जी, एन के प्रेमचंद्रन जी, नरेंद्र केशव सवाईकर जी, सभी ने इस चर्चा में भाग लिया है। और आप सब लोगों ने जो भाग लेते हुए अपने अपने राय भी किए, अपने अपने सुझाव भी किया है, जब ये बिल की नियमावली बनेगी तब हम विस्तार से उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये बिल आप, मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने सबने ये बिल को सपोर्ट किया है, वैसे ही आम सहमति से ये एडमिरल्टी जुडिशन बिल आप सब पास करें, वैसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ।